हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में एक नया रिक्वायरमेंट आया है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है, कौन सी कंट्री के लिए वैकेंसी निकला है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग नहीं अप्लाई कर सकते, सब कुछ आज इस व्लॉग में डिटेल से बात करने। व्लॉग एंड तक देखे आपको समझ में आ जाएगा ये जब कैसे अप्लाई करना है क्या है बोल के। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टर्न द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके आल करके प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा अभी भी फ्यूचर में भी और आगे चल के। दोस्तों आज की वैकेंसी निकला है, कंट्री एक कतर है। हाँ दोस्तों, ये कतर में आके शेडोन वीज़ा है, 1 ईयर का प्रोजेक्ट वीज़ा है ये, या कि ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट 2022 का फर्स्ट पोजीशन निकल गया था। फ्लोर मैनेजर, इसकी सैलरी है 3,800, मतलब इंडियन करेंसी 68,000, तो 7,000 आपकी सैलरी आ जाता है। लेकिन 1 कतरी रियल इज इक्वल टू 20.10 चल रहा है आज का रेट। आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं, आपको गूगल में पता चल जाएगा, कतर टू इंडियन रुपीज़ कन्वर्टर मारेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड सेकेंड पोजिशन आता है फ्लोर सुपरवाइजर, इसकी सैलरी है 3,500, मतलब इंडियन करेंसी 65,000 और 68,000 आ जाता है। एंड नेक्स्ट पोजिशन आता है स्टोर सुपरवाइजर के, स्टोर सुपरवाइजर के 2,800 सैलरी, मतलब इंडियन करेंसी 58,000 टू 60,000 आ जाता है। एंड नेक्स्ट पोजीशन है रूम अटेंडर के लिए, रूम अटेंडर की सैलरी 2,000 है, मतलब इंडियन करेंसी 40,000 to 42,000 आ जाता है। एंड नेक्स्ट पोजीशन आता है रिसेप्शन के लिए, रिसेप्शन की सैलरी 2,500, मतलब आपको इंडियन करेंसी 50,000 to 52,000 मिल जाता है। ये सब कुछ मुझे जो पोजीशन बताया, जिस किसी के पास भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के, जो भी फ्रेशर्स बंदे हैं वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते इस जॉब के लिए। ये शटडाउन प्रोजेक्ट है, आपको 1 साल का प्रोजेक्ट वीज़ा दिया जाएगा। आप शटडाउन वीज़ा बोलते हैं, आप 1 साल काम करके रिटर्न आ सकते हैं। 1 साल काम करने के बाद आपको उधर का एक्सपीरियंस लेटर आ जाएगा, तो आप उधर भी जॉब किधर तो दूसरी जगह भी ढूंढ सकते कर सकते। एज कैटेगरी बात करूँ तो एज कैटेगरी अगर 35 बिलो ईयर्स के नीचे रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। आपकी एज 35 से नीचे रहना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और आपकी इंग्लिश आना बहुत अच्छी है, आपको बात करना लिखना पढ़ना आपकी इंग्लिश आके बहुत ही अच्छी आना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और जो भी मैंने पोजीशन बताया सब कुछ अप्लाई करने के लिए आपके पास अपडेटेड सीवी रहना बहुत ज़रूरत है, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कॉपी फ्रंट एंड बैक, जो भी एक्सपीरियंस लेटर है तो बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस लेटर ही मैंडेटरी है इधर पे। जो भी एक्सपीरियंस बनता है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। सेम फील्ड में आपको एक्सपीरियंस रहना बहुत ज़रूरत है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ई मेल लेटर उसको फॉरवर्ड कीजिए, साथ ही साथ कंसल्टेंसी का नाम, फ़ोन नंबर, डिटेल्स पूरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये इंटरव्यू आके अप्रैल को स्टार्ट होने वाला है, क्लाइंट इंटरव्यू, डायरेक्ट आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं डायरेक्ट। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू डायरेक्ट देने से पहले आप सीवी एक बार फॉरवर्ड कर दो कंपनी कंसल्टेंसी को, तो आपको उधर से ऑफर कॉल लेटर आ जाएगा, आप जा सकते हैं इंटरव्यू। सबको कॉल लेटर आता है, ये आके अप्रैल 2nd वीक से आपको कॉल लेटर आ जा स्टार्ट हो जाएगा और अप्रैल 5th से आपको इंटरव्यू डेट फिक्स है, आप इंटरव्यू जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छी सैलरी, बहुत ही बेहतरीन सैलरी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ये। 1 ईयर का शटडाउन वीज़ा जाके करो, 1 ईयर आपको गल्फ एक्सपीरियंस आ जाएगा और सैलरी भी अच्छी खासी है इस पर, ठीक है दोस्तों। और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे, जो भी पर्सनल से बातचीत करना चाहता है, जो भी पर्सनल से मेरे को क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उधर पूछ सकता है, बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। और बहुत लोग पूछते रहते कि भाई मैं सीवी डाला, भाई मैं उधर डाला, इधर डाला, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा है। भाई ये जेन्युइन काम में थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको बहुत जल्दी इंशाल्लाह किधर ना किधर से अच्छा जॉब ऑफर आ जाएगा। आपका काम यही है कि मैं जो भी ब्लॉग बना के डालता हूँ वो पूरे तरीके से देखिए और समझिए कैसे अप्लाई करना है, क्या है जॉब के लिए, वो तरीके से आप सीवी क्रिएट कीजिए। उस तरीके से सीवी क्रिएट करने के बाद जो कंसल्टेंसी को फॉरवर्ड कीजिए, फॉरवर्ड करने के बाद आप थोड़ा वेट कीजिए। बहुत लोग मेल करते हैं लेकिन मेल में आप मेल आई डी डालते हैं लेकिन डायरेक्ट सीवी अटैच करके भेज देते हैं, ऐसा मत करो दोस्तों। मेल आईडी लिखिए, उसके नीचे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट फलान जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ करके लिखिए, और नीचे आके थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखिए, हेलो सर, हेलो मैम, आई एम माय नेम इज लाइक दिस, आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, आई हैव एक्सपीरियंस करके लिखिए। तब उसके बाद अपना सीवी और जो भी अपने डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके सेंड कर दीजिए। अब हाँ दोस्तों, ऐसा सेंड कर दीजिए, उनको भी आसानी रहेगा कौन से जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है बंदा, कौन से जॉब के लिए देख रहा है बोल के, उनको समझ में आ जाएगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं लिखे, डायरेक्ट मेल कर दिए तो थोड़े बहुत लोग देखते भी नहीं है, इसलिए आपको थोड़े बहुत लोगों को कॉल नहीं आता है कि इंटरव्यू आने के अटेंड होने के लिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी को सभी में आ गया होगा।
और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। जो भी आपके क्वेश्चन थे, जो भी आपके डाउट है, बहुत जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। फेसबुक पेज है जफरुल्लाह बादशाह और इंस्टाग्राम पेज है जफरुल्लाह बादशाह, आप तो दोनों दिख रहे होंगे। सिंपल से आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में जाके मेरे यूजर नेम सर्च कीजिए, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, जाके क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए। उधर पर मोर अपडेट्स देता रहता हूँ जॉब्स के बारे में, आपको उधर नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, उधर पर आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। ख्याल रखें अपना भी, इस चैनल का भी।